सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल आर्किटेक्ट। सो सिविल आर्किटेक्ट में आप सब लोगों का स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वीरे में किस तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्लास क्रिएट किया जाता है उसके बारे में एक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। ओके, जैसे कि हम विंडो में और कई जगह पर ग्लास का मटीरियल एडिट करना होता है वीरे में, तो वो किस तरीके से किया जाता है, तो हमें जो ग्लास है उसे रिफ्लेक्टिव भी बनाना होता है एंड ट्रांसपेरेंट भी बनाना होता है, तो इसकी सेटिंग वीरे में क्या रहती है उसका है वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पर अपने स्केचअप स्क्रीन में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैंने पांच विंडो क्रिएट किया है। एंड उन पांचों विंडो में स्केचअप का जो ग्लास मटेरियल होता है यहाँ पर से, वही मटेरियल मैंने अलग अलग मटेरियल पांचों विंडो के ग्लास में दिया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पर सामने मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ताकि हम विंडो को एडिट करें, तो अगर हमारी विंडो हम ट्रांसपेरेंट क्रिएट करें विंडो का ग्लास, तो हमें ये स्ट्रक्चर अच्छे से दिखना चाहिए। एंड यहाँ पर पीछे मैंने एक ट्री की रो क्रिएट की है। ओके, तो ये ट्री मैंने इसलिए यहाँ पर रखे है क्योंकि अगर हम विंडो में रिफ्लेक्शन को क्रिएट करते हैं तो ये ट्री का रिफ्लेक्शन इस विंडो पर पड़ना चाहिए। ओके, तो अब हम यहाँ पर ग्लास एडिट करना सीखेंगे वीरे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर से एसेट एडिटर ओपन कर लेना है। एसेट एडिटर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर से वीरे का जो इंटरेक्टिव है उसे ऑन कर देना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने वीरे इंटरेक्टिव को ऑन कर दिया है। जैसे ही मैंने वीरे इंटरेक्टिव को ऑन किया है तो यहाँ पर हमारा सीन है वो लोड होने लगेगा। तो ये हमारा सीन लोड होने लगा है। ओके, तो अब यहाँ पर तो हमने ग्लास दिया है लेकिन हमारे जो इंटरेक्टिव रेंडर है वहाँ पर हमें एकदम सॉलिड दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर किसी भी टाइप का ग्लास की इफेक्ट दिख ही नहीं रही है, तो इसके लिए हमें ग्लास को एडिट करना होगा। तो एडिट करने के लिए आपको सिंपली इस वाले जो स्फीयर है वहाँ पर ये मटेरियल को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सैंपल पेंट में जाना है, फिर इस ग्लास पर क्लिक करनी है। जैसे ही ग्लास पर क्लिक करोगे तो यहाँ का जो स्फीयर है वो ग्लास हमारा जो मटेरियल है वहाँ उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इस स्फीयर को एडिट करेंगे, तो इसके लिए जेनेटिक में जाएंगे, वहाँ से इसे ग्लास कर देंगे। जेनेटिक में जाने के बाद जैसे ही ग्लास किया तो आप स्केचअप में देख सकते हो कि अपना जो ग्लास है वो एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है। एंड यहाँ पर भी कुछ चेंजेस आए हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी ग्लास नहीं क्रिएट हुआ है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर से सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पर जो डिफ्यूज़ कलर है उसे कर देना है वाइट। डिफ्यूज़ कलर को वाइट करने के बाद आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन बाद में जाना है, रिफ्रेक्शन में पहले जाना है। रिफ्रेक्शन में जाने के बाद ट्रांसक्यूलेंसी को कर देना है ऑन ताकि हमारा ग्लास ट्रांसपेरेंट हो जाए। जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रांसक्यूलेंसी को ऑन किया तो मेरा ग्लास फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो गया है। लेकिन ग्लास फुल्ली ट्रांसपेरेंट तो हो गया है लेकिन यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ग्लास दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये खाली फ्रेम ही है, यहाँ पर कोई ग्लास है ही नहीं। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पर से रिफ्लेक्शन को बढ़ाना होगा। तो रिफ्लेक्शन में जाएंगे, रिफ्लेक्शन में जाने के बाद रिफ्लेक्शन की जो IOR है उसे 5 कर देंगे। 1.6 होती है, वहाँ पर हम 5 या फिर 6 कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 6.5 के करीब कर दिया है। ओके, तो जैसे ही मैंने 6.5 के करीब किया तो यहाँ पर ग्लास में अब आप देख सकते हो, मैं इस पिक्चर को बड़ा करके दिखाता हूँ कि इस वाले ग्लास में हमें देखो पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो भी दिखाई दे रहा है एंड साथ में यहाँ पर हमारा जो ट्री था वो भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हमारा पहला ग्लास फुल्ली ट्रांसपेरेंट ग्लास एकदम रेडी हो गया है। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आपको स्केचअप या फिर वीरे के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।